अच्छा हुआ कृष्णा बेटा कि आप मुझे यहीं मिल गए, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। जी सविता आंटी, आपको मुझसे कोई काम था? बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है, बहुत संस्कारी है, वो पिंकी बेटा का भी बहुत खुश रखेगी। मैंने उसकी माँ से तुम्हारी बात चलाई है, लड़की की माँ को मैंने तुम्हारे बारे में सारा सच बता दिया है और बता दिया कि तुम्हारी 5 साल की एक बेटी भी है। बात जाने के बाद भी उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिए, बस तुम्हारी रजामंदी चाहती हूँ मैं। सविता आंटी, आप जानती हो कि पिंकी कितनी छोटी है, मैं उसके पास सौतेली माँ नहीं लाना चाहता। बेटा तुम्हें सुबह से काम पे चले जाते हो, पिंकी बेचारी पूरे दिन घर में अकेली होती है, अक्सर मैं जब उससे मिलने आती हूँ वो रो रही होती है और कहती है मुझे माँ चाहिए माँ चाहिए। सविता आंटी, आप जानती हो ना कि आजकल की लड़कियाँ कैसी हैं, वो कहाँ दूसरी लड़की को अपनी बेटी एक्सेप्ट करेंगी। शुरू से ये रीत चलती आई है कि लड़कियाँ जो आती हैं वो कभी बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती, उनको सुतेरा ही समझती हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची के ऊपर जुल्म हो। कृष्णा बेटा तुम्हारी बात ठीक है, पर हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जरूरी नहीं है हर माँ एक जैसी हो सकता है जो नई माँ आए वो पिंकी को बहुत खुश रखे, उसको माँ का प्यार दे। पिंकी जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसको माँ की जरूरत है, वो हर बात तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती। बेटा तुम्हें ये बात समझनी होगी। सविता आंटी, आप मेरी बड़ी हैं, आप जो फैसला करेंगी वो बेहतर करेंगी। मैंने सविता आंटी से कह तो दिया है कि मैं शादी के लिए राजी हूँ, पर मुझे बहुत डर लगता है, पिंकी के ऊपर का सुतेली माँ आई और उसने आने के बाद पिंकी के साथ सुतेला बर्ताव किया, तो मैं क्या करूँगा। और सविता आंटी बात तो ठीक कर रही हैं कि पिंकी को माँ की ज़रूरत है। क्या हुआ कृष्णा, सब ठीक तो है ना? बहुत परेशान नजर आ रहा है। अच्छा हुआ सूरज कि तू मुझे यहाँ मिल गया, तो उससे अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ यार। अभी सविता आंटी आई थी मिलने रिश्ता लेके, वो चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ, पिंकी को एक माँ मिल जाए, पर तू जानता है कि मुझे कितना डर लगा रहता है, मैं पिंकी के ऊपर सुतेली माँ नहीं लाना चाहता। तू क्या कहता है इस बारे में? मेरे दोस्त सविता आंटी बात तो ठीक कर रही हैं, तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, कब तक यूं ही अकेला भटकता रहेगा, और पिंकी को भी तो माँ की जरूरत है ना, हो सकता है आने वाली अच्छी साबित हो, पिंकी को भी माँ मिल जाएगी और तुझे भी पत्नी। मैं तो कहता हूँ शादी के लिए हाँ कर दे, अब देर ना कर। इतना शादी करने में तेरी और पिंकी की भलाई है, ज्यादा मत सोच, शादी कर ले। भाभी जी को उस दुनिया से गए हुए पूरे 3 साल हो गए, 3 साल से तू अकेला पिंकी को संभाल रहा है, बात तो ठीक है ना कि उसको एक माँ की जरूरत है, चाहे वो तुझसे कुछ कहे या ना कहे। पिंकी के ऊपर सुतेली माँ लाने से पहले मुझे पिंकी से बात करनी होगी। बाबा बाबा आप आ गए, बाबा मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आज आप बहुत देर से हैं। बाबा मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। जब बच्चा घर में अकेला बोर हो जाता है, पिंकी बेटा यहाँ हो, मुझे आपसे बात करनी है। बाबा आपको मुझसे क्या बात करनी है? कि बेटा मुझे आपसे पूछना है कि आपको न्यू मम्मा चाहिए जो आपके साथ बहुत सारा खेलेंगी, आपको खाना बना के खिलाएंगी, आपको बोर भी नहीं होने देंगी। बाबा ऐसा हो सकता है कि मुझे न्यू मम्मा मिल जाए? बाबा मेरी सारी फ्रेंड्स की मम्मा सिर्फ मेरी ही मम्मा नहीं है, क्या वो मेरे साथ खेलेंगी? पिंकी बेटा आपकी मम्मा आपके साथ खेलेंगी भी और आपको खुश भी रखेंगी, ये आपकी न्यू मम्मा है। पिंकी बेटा हेलो बोलो मम्मा को, सपना जी ये है मेरी 5 साल की बेटी, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बेटी को माँ का प्यार देंगी, माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगी। बाबा मम्मा तो बहुत अच्छी है, मम्मा तो बहुत ब्यूटीफुल है, थैंक यू बाबा कि आपने न्यू मम्मा ला के दी। मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को बताऊंगी कि मेरे पास भी मम्मा आ गई, कल ही सारी फ्रेंड्स को मिलवाऊंगी। ना जी आपका हमारे घर में वेलकम है, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगी, जाओ पिंकी बेटा मम्मा से मिलो। आज मेरी मम्मा आ गई, मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी, आज से पिंकी मेरी भी बेटी है। कृष्णा जी आप पिंकी की तरफ से बेफिक्र हो जाइए, अब मैं आ गई हूँ, पिंकी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अपना जी आपने मेरी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी, वो मुझे आपको ये बताया था मुझे 3-4 दिन के शहर से बाहर जाना होगा। कृष्णा जी आप बेफिक्र होके जाइए, तो मुझे इतनी बड़ी बच्ची की अम्मा बना दिया, ऊपर से मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इसको माँ का प्यार दूंगी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, पिंकी की बच्ची को तो मैं बताऊंगी माँ होती क्या है। बहुत बोली थी मम्मा आ गई मम्मा आ गई, मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए मजेदार सी बिरयानी बना दो। ओ हेलो तुम कौन से सपने सजा रही हो, आज खाना तुम बनाओगी, मैं तुम्हारी न्यू मम्मा हूँ, जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे तुम्हें करना पड़ेगा, पर मम्मा मुझे खाना पकाना नहीं आता। खाना पकाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती है, मैं बताती जाऊंगी तुम करती जाना, पर मम्मा मेरा हाथ जल जाएगा। हाथ जले या पैर, खाना तुम्हें ही बनाना है। मम्मा ये तो मेरे खेलने का टाइम है, मेरी सारी फ्रेंड मुझे बुलाने आई है, मैं खेलने जा रही हूँ, तुम मेरे सामने जबान चला रही हो, मुझसे बदतमीजी कर रही हो। क्योंकि आइंदा तुमने मेरे सामने मुंह खोला ना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल बहस नहीं चाहिए मुझे, जैसा मैं कहूँ एक दफा सुन लेना, जाओ जाके खाना बनाओ। मम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पापा मुझसे कह रहे थे कि मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करेंगी, ये तो आते ही मुझसे सारे काम करवा रही है। महारानी साहिबा कहाँ चली? मम्मा मुझे खेलने जाना है, मेरी फ्रेंड्स मुझे बुलाने आई है। तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने कहा है ना आज से तुम्हारे खेल कूद सब बंद, तुम्हें घर के काम में इंटरेस्ट लेना होगा। पिंकी कुछ सालों के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, ससुराल वाले क्या कहेंगे कि माँ ने क्या सिखाया है, सारी बुराई तो मेरे ऊपर आएगी ना, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी, जाओ जाके कपड़े धो और उसके बाद आके पूरे घर की सफाई करो। पाए खाने के बर्तन भी ऐसे पड़े, तुमने बर्तन धोए नहीं, ऐसी सो गई महारानी साहिबा, जब देखो बस टीवी खाना पीना सोना, देखा कितनी मोटी हो रही हो तुम, मोटी लड़कियों को आजकल कोई पसंद नहीं करता, समझ में आई तुम्हारे पिंकी? मम्मा आप सुबह से मुझसे काम करवा रही हो, मैं थक गई हूँ, मैंने कहा था मेरे सामने मुंह नहीं खुलना चाहिए, वरना इतना मारूंगी नानी याद दिला दूंगी। आप अच्छी मम्मा नहीं हो, आप गंदी मम्मा हो, चली जाओ मेरे घर से।
मैं जाऊंगी इस घर से, ये मेरा घर है, अगर कोई जाएगा तुम जाओगी, वैसे सब मुसीबत बनी हुई हो। अब खड़े होके मेरा मुंह क्या देख रही हो, कहा है ना जाके घर के काम करो, वरना सोच लेना तुम्हें अचार पे खाना नहीं देने वाली मैं, यूं ही भूखा सुलाऊंगी, फिर जाके पता चलेगा मैं चीज क्या हूँ। जाती हूँ मम्मा, मेरी पिटाई मत करना। क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि ऊपर जाके मशीन लगाओ, कपड़े धो, तुम बलून से खेल रही हो, कहाँ से आई फटी से बलून, और तुम उससे सुबह से काम करवा रही हो, मैं काम करके कि थक गई हूँ माँ, मुझे थोड़ी देर बलून के साथ खेलने दो, बाबा लाए थे मेरे लिए माँ ये बलून, क्योंकि अगर इस वक्त तुम ये बलून रख के नहीं आई ना, तो ये सारे के सारे बलून तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगी। कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो बलून से खेलोगी, बलून से खेलने की उम्र निकल गई तुम्हारी, घर के काम में इंटरेस्ट लो, जाओ रख के आओ सारे बलून। इतनी ढीठ लड़की है, मेरी बात का इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुमसे क्या कह रही हो, जाओ फेंक के आओ इस बलून को बाहर। जब तेरी माँ मरी थी अपनी माँ के साथ, तू क्यों नहीं मर गई, मेरी छाती पर नाक बन के बैठ गई है, ना निकली जाए ना उगली जाए, पता नहीं क्यों मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, माँ के ऊपर बोझ बन गई थी ना, तो मुझे एक बच्ची की माँ बना के ब्याह दिया। पिंकी नाम का अजाब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, माँ मुझे ऐसा मत बोलो माँ, मैं तुम्हारा हर काम करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करो माँ, मुझे माँ चाहिए थी माँ, तुम मेरी दुश्मन हो। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी मेरे सामने, तो फिर से ये जबान मेरे सामने खुली ना, तो ये जबान काट के फेंक देनी है मुझे। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ, मुझे चक्कर आ रहा है माँ, कुछ तो दे दो माँ। मैंने कहा है ना आज पूरे दिन हमें खाना नहीं मिलेगा, तभी तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। आज घर में मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं, पिंकी अगर तुम उनके सामने आई ना तो अच्छा नहीं होगा, जाओ जाके खाने बनाओ। हाँ मुझसे काम नहीं होगा, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो माँ, तुम सुबह से बस मुझसे काम पे काम करवाए जा रही हो, तुमने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया माँ। लगता है पिंकी तुम भूल गई हो कल जो तुम्हारे साथ मैंने किया था ना, तुम चाहती हो आज भी मैं तुम्हारे साथ वही करूँ। नहीं माँ ऐसा कुछ मत करना माँ, मैं चाहती हूँ मैं सारा खाना बना दूंगी माँ। महारानी साहिबा आप यहाँ क्या कर रही हैं, माँ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ माँ। अच्छा है मुसीबत से जान छूटी, पिंकी अब आइंदा कभी इस घर में लौट के नहीं आना, ऐसे तुम अपने बाप के ऊपर बोझ बन गई हो, बोझ। अरे ऊपर वाले तूने इस फसाद से मेरी जान छुड़वा दी थी, लाख लाख शुक्र है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये दिन भी मेरी जिंदगी में आएंगे, मुझे तो लगा था इस बच्ची को मुझे हमेशा भुगतना पड़ेगा। सपना तेरे क्या कहने हैं, तूने तो वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि फसादी से मेरी जान छूट जाएगी। कृष्णा जी बाकी पूछेंगे पिंकी कहाँ है, तो कोई ना कोई बहाना बना दूंगी और कृष्णा जी को फुसला दूंगी, तीन चार दिन कृष्णा जी को बातों में लगा के रखूंगी ताकि वो पिंकी को भूल जाएं, पर एक बार पिंकी को भूल जाएंगे फिर कौन याद कर रहा है। कृष्णा जी के साथ मैं अपनी नई गृहस्थी शुरू करूंगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, फिर कृष्णा जी उसमें लग जाएंगे, फिर कौन सा याद करेंगे वो पिंकी को। माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे बहुत मारती है, मुझे खाने को कुछ भी नहीं दिया, अब मैं कभी भी घर वापस नहीं जाऊंगी। माँ तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई माँ, माँ मैं फिर से अकेली हो गई माँ। माँ तुम्हारी पिंकी भूखी है, तुम्हारी पिंकी बीमार है माँ, तुम्हारी पिंकी को बहुत तेज बुखार है माँ, मुझे चक्कर आ रहा है माँ, माँ मुझे देखने वाला कोई भी नहीं है माँ। माँ मुझे भी तुम अपने पास बुला लो माँ, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना माँ, ये दुनिया अच्छी नहीं है माँ, मुझे तुम्हारी गोद में सर रख के रोना है माँ, कहाँ हो माँ, अपनी पिंकी को बुला लो माँ अपने पास, तुम्हारी पिंकी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती माँ। वो तो मैं बतलाती नहीं पर तेरी याद आती है ना माँ, क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ, कभी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे सोचूं यही तू आके थामेगी माँ, ओ माँ मेरी माँ। माँ तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई माँ, ये मम्मा अच्छी नहीं है, ये मुझे बहुत मारती है, खाने को भी कुछ नहीं देती माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे बुखार हो रहा है। बेटा आपको परेशान नहीं होना, ये दुनिया बहुत बड़ी है, मुझे यकीन है मेरी पिंकी कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा, उसको माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देगा। पिंकी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हें हिम्मत करनी होगी मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। बच्ची कौन है, यहाँ क्यों सो रही है, इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, मुझे इसको जगाना चाहिए। बेटा तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। मेरा नाम पिंकी है, मैं अपना घर छोड़ के आ गई हूँ, मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत डराती थी, बहुत मारती थी, मुझे खाने को भी नहीं देती थी, मैं अपना घर छोड़ के यहाँ आ गई हूँ, अब से मैं यहीं रहूंगी। बेटा रोने की जरूरत नहीं है, आपको तो बहुत तेज बुखार है, ऐसा करो हमेशा मेरे घर चलो, आज से मेरे साथ ही रहना। आप कौन हो, जो यहाँ आपकी माँ ने भेजा है आपके लिए, चलिए आप मेरे साथ घर चलिए। ठीक है प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिएगा, मैं बहुत भूखी हूँ। आप फिक्र नहीं करो, मैं आपको खाना भी दूंगी और डॉक्टर को भी दिखाऊंगी, आपको बहुत तेज बुखार है, मेरी माँ ने मुझे दो दिन से कुछ खाने को नहीं दिया, मुझे बुखार भी हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहा है। जब मैं आ गई हूँ ना सब ठीक हो जाएगा, हमेशा मेरे घर चलो, मैं आपको खाना भी दूंगी और आपको डॉक्टर को भी दिखाऊंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, आप बहुत अच्छी हैं।
बेटा आपके बाबा नहीं है, बाबा मेरे शहर गए किसी काम के लिए। मुझे बाबा के पास जाना है। मिलवाऊंगी आपको आपके बाबा से। कृष्णा जी के आने का टाइम होने वाला है, ये आते ही मुझे पिंकी के बारे में पूछेंगे। ऐसा करूंगी, बोल दूंगी कि पिंकी सो रही है, आज का दिन तो ऐसे तैसे करके गुजार दूंगी, बाकी कल की कल देखूंगी। जैसे पिंकी गई है घर में कितना सुकून हो गया है, लगता ही नहीं है वो घर था जहाँ पिंकी मेरे साथ रहा करती थी, मुझे परेशान किया करती थी। सपना आज घर बहुत खाली खाली लग रहा है, सब ठीक तो है ना? मेरी बेटी पिंकी कहाँ है? कृष्णा जी आपको आते आते बहुत लेट हो गया ना, पिंकी खाना खा के सो गई है। पिंकी बेटा इतनी जल्दी सो गई? उसको तो पता था कि मैं आने वाला हूँ, उसने मेरा इंतजार भी नहीं किया। पिंकी ने आपका काफी इंतजार किया, लेकिन शायद उसको नींद आ रही थी तो मैंने उसको सुला दिया। कोई बात नहीं, उसे सुबह मिल लीजिएगा। नहीं ऐसा करता हूँ, पिंकी से रूम में जाके मिल लेता हूँ, जब तक उसको नहीं देखूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। कृष्णा जी ऐसे भी क्या जल्दी है, आप पिंकी से मिलने जाएंगे उसकी नींद टूट जाएगी, आप सुबह मिल लीजिएगा ना, मैंने कहा है वो खाना वाना खा के सो गई है। आप इतना लंबा सफर करके आए, आप भी थक गए होंगे, आप भी खाना खाएं, फ्रेश हो, सो जाएं, सुबह मिल लीजिएगा अपनी बेटी पिंकी से, वो कहाँ भागी जा रही है। सपना जी आपने मुझसे झूठ कहा, मैंने पूरा घर छान मारा, पिंकी मुझे कहीं नजर नहीं आई। हाँ मेरी बेटी पिंकी, मैं पिंकी को आपके ऊपर छोड़ के गया था, आप पे यकीन किया था मैंने। मुझे ना आपसे झूठ बोलना पड़ा, पिंकी ना मुझसे नाराज हो गई तो घर छोड़ के चली गई, आ जाएगी एक दो घंटे में, आप फिक्र मत कीजिए। सपना जी आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई, अपने सुकून से बैठी हुई है। हाय मेरी पिंकी, मैंने हर जगह ढूंढ ली, मुझे पिंकी कहीं नहीं मिली। कहाँ जाएगी, यही कहीं होगी, आ जाएगी, बस आप तो ऐसी फिक्र कर रहे हैं, पिंकी की कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, वो समझदार है, कहीं खोएगी थोड़ी ना। सपना जी अगर मेरी बेटी पिंकी को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा नहीं होगा। पिंकी मेरे जीने की वजह है, उसी वजह से मैंने आपसे शादी की, अगर मेरी पिंकी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। आप जानती है ना ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ पिंकी की वजह से की है। अपनी बेटी पिंकी को ढूंढने जा रहा हूँ, आप दुआ कीजिएगा मेरी बेटी जहाँ हो सही सलामत हो, अगर मेरी बेटी को एक खरोच भी आई ना तो समझिएगा मेरा और आपका रिश्ता खत्म। पिंकी तो मुझे ऐसे दे रहा है जैसे मुझे घर से निकाल देंगे, मैं खुद आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे रहना ही नहीं आप जैसे लोगों के साथ। गाँव में कितने सारे कुएं, अगर पिंकी किसी कुएं में गिर के मर गई हो तो मजा ही आ जाएगा। अब मैं देखती हूँ पिंकी कैसे मिलती है, मुझे धमकी दे गए मुझे, ये जानते नहीं कि सपना चीज क्या है, सपना जो ठान लेती है वो करके रहती है, और बस पिंकी 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 करते रहते हैं। जब पिंकी इतनी प्यारी थी तो मुझसे शादी क्यों की, मैं इस घर में से पिंकी की नौकरानी बन के आई हूँ, जब से हमारी शादी हुई दो बोल कभी प्यार के नहीं बोले, बस हर बार ये कहते रहते पिंकी का ख्याल रखना, पिंकी को ये खिला देना, पिंकी को वो खिला देना, भी मुझसे नहीं पूछते कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तुम ठीक तो हो ना, ना तुम कैसी औरत हो, तुम माँ के नाम पे एक धब्बा हो धब्बा, उस बच्ची ने तुम्हारे क्या बिगाड़ा था जो तुम उसको इतनी सारी भर भर के बद्दुआएं दे रही हो, वो चाहती क्या थी कि तुम्हारी ममता, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा जमीर हूँ जमीर, झांक के देखो अपने अंदर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वो बच्ची इसी काबिल थी, उसने मुझे कितना परेशान किया हुआ था, क्या मैं इसकी नौकरानी हूँ। अच्छा हुआ कि पिंकी खुद ही घर छोड़ के चली गई, वरना मैं उसको हाथ पैर ही घर से निकाल देती, वो इसी काबिल है। अपना तुम जैसी औरतें ही हैं जिन्होंने सौतेली माँ को बदनाम किया हुआ है, वरना माएँ तो आज भी अच्छी होती हैं, सौतेली माएँ बच्चों को प्यार भी करती हैं, उनको प्यार भी देती हैं, एक तुम ही हो खुद खर्च, अभी भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रही हो। अपना अभी भी वक्त है, जाके कृष्णा जी से माफ़ी मांगो, पिंकी को ढूंढने में उनकी मदद करो। ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, अच्छा हुआ कि पिंकी नाम की बला टली, मैं तो दुआ करती हूँ कल की मरती आज मर जाए। यहाँ से जा रही हूँ पर मेरी एक बात याद रखना, तुम बहुत पछताओगी। जी अब यहाँ रहना ही नहीं है, मैं माँ के पास जा रही हूँ, जो होना है वो होता रहे मेरी बला से। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, थैंक यू।